डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। पिछले दो तीन दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा है, एक कांड हो गया था जिसके वजह से मैं परेशान था और उसमें बिजी भी था। आज फ्री हूँ, आज से बिल्कुल फ्री हूँ। अगर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आता है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो के अकॉर्डिंग आपका क्लास लो। और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नई शिक्षा नीति के आधार पे होगा, तो ये जो नए ये जो बैच है इसमें ये नीति नहीं लगने वाला है। इसमें आपका एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होगा, अगले जो सेशन 2021 से होगा उसमें ये नीति लगेगा। आप लोग एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हो, बट मैं आज भी 5, 6, 7, 8 ऑल सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ। क्यों? डीप नॉलेज के लिए, ताकि किसी भी कंपटीशन में बैठूं। ठीक है, मैं अभी कोई कंपटीशन के एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ। आप लोग क्या सोचते हो कि एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, ये काम करेंगे तो पढ़ेंगे? तो ऐसे स्टडी नहीं होता है, जो भी पढ़िए डीपली पढ़िए। ठीक है, तो आइए, कुछ क्वेश्चन ये सब डाले थे हम पे जिसको हम डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं, तो इस क्वेश्चन को खूब अच्छे ढंग से आपको बताएंगे, आप इसे अच्छे से वॉच कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है आपके इस सम का जो बुक है उसमें का क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 20 केजी सो दैट इज एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक 20 केजी के ऑब्जेक्ट जो कि स्टॉप्ड है उस पे 100 न्यूटन का फोर्स कितने समय तक लगाया जाए ताकि उसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमको क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ क्या क्या गिवन है लिखोगे पहले, 31 के लिए लिखोगे पहले ये गिवन, एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 100 न्यूटन, उसके बाद यू इक्वल टू, तो ये तो बॉडी रुका था तब ना फोर्स लगाया गया, 0। भी इक्वल टू आपको दिया है कितना 100 मीटर पर सेकेंड। जब यही चीज आप समझ जाओगे कि क्या क्या गिवेन है तो आप आसानी से कर सकते हो। और आपसे पूछा क्या है, मास भी दिया है m इक्वल टू 20 केजी, पूछा क्या है टाइम। ओके, आप अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ से आप क्या मिला है आपको फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम ए। अब यहां पे आप लिखोगे वी नो डैट, नो डैट एफ इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास तो गिवन है, क्या एक्सीलरेशन गिवन है? नहीं गिवन है। फोर्स तो गिवन है, तो कैसे टाइम निकलेगा नहीं आइडिया आ रहा है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या पढ़े, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी पढ़े है ना, तो इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, ए के जगह पे पुट कर देंगे, तो एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब वैल्यू रख दो, देखो वैल्यू रखने का मतलब कि ये न्यूटन है, मास आपको केजी में दिया ही है, तो जैसे का तैसे, तो ये लिखोगे 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास 20 केजी, फाइनल वेलोसिटी 100 माइनस 0 अपॉन टाइम बताना है, टाइम इधर आएगा तो 100 चला जाएगा ना इधर, देखो बाबू टाइम को यहाँ लाएंगे तो ये तो नीचे जाएगा, तो टी इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 में से 0 जाएगा तो 100 ना होगा 20, तो 100 इंटू 20 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना सेकेंड 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड तक हम 100 न्यूटन का फोर्स 20 केजी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो वो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड, आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बाबू करना क्या था, फोर्स दिया था, मास दिया था, एक्सीलरेशन नहीं दिया था, तो एक्सीलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं वी माइनस यू अपॉन टी, तो इस टर्म में ये सब कंडीशन दे रखा था, तो इस टर्म में हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू, सेकेंड नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से वाच करके पॉज करके इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32,
देखो पढ़ाई का कोई और अंत नहीं है, और हम पहले जब साइंस में ही केवल फोकस करते थे, हमें ह्यूमैनिटी आर्ट्स के बारे में उतना जानकारी नहीं था, लेकिन अब बहुत इच्छा होता है कि आर्ट्स ही केवल पढ़ो, बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि हर कंपटीशन में इंजीनियरिंग लाइन छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में आर्ट्स की वैल्यू है और साइंस की भी वैल्यू है, इससे भी आईएएस आईपीएस आईपीएस बन सकते हो, पीपीएससी के और यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन उस लेवल का होना चाहिए स्टडी। अब देखो बाबू 32 में फिर वही चीज़ लिखोगे, हाउ लॉन्ग विल गिवेन एफ इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन, एम इक्वल टू 2.5 kg, ओके, और इज मूविंग एट, स्टॉप करने के लिए यू आपको दे दिया, यू कितना दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, आपसे क्या पूछा है, अब वी कितना हो जाएगा, स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0, क्या पूछा है, टाइम इक्वल टू 1 पूछा है ना, फिर आप क्या लिखोगे, वी नो डैट एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए के जगह पे वी माइनस यू अपॉन टी, यहाँ लिख दोगे ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ओके, ये और बेटर हो जाएगा। तब यहाँ आप वैल्यू पुट करो, मास कितना है 2.5 kg, ये कितना है 10 न्यूटन है। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना 30, आइए ये देखो, सॉरी टाइम बताना है, सब चीज़ रख लिए अपॉन टी, टाइम इधर आ जाएगा ना, यानी टी इज इक्वल टू 2.5 × 30, तो 30 को मैं 3 × 10 लिख सकता हूँ, 30 को आपको आसान करने के लिए, अब यहाँ पे बाई 10, ओके, देख लो बाबू 10 से 10 क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ही लिख लो, 3 में 2.5 से 75 होता है ना, 25 × 3 = 75, तो लिख दिए 75, एक डिजिट के बाद डेसिमल लिख दिए, कितना सेकेंड, यानी इतना सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो टाइम निगेटिव आ रहा है, ये बात आप बोल सकते हो कि 0 − 30 और 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे ये कितना आएगा, −30 आएगा, तो टाइम कभी माइनस में लिया जाता है क्या, टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, और ये माइनस इसलिए आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड हो रहा है तो जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये निगेटिव साइन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी खिलाड़ी या कोई भी चीज़ ऊपर से थ्रो हो रहा है तो हम जब कैच करते हैं तो बैक के तरफ क्या करते हैं, बॉडी को खींचते हैं, यानी हैंड को खींचते हैं संवेग को कम करने के लिए, फोर्स को कम करने के लिए, ताकि हमें इंजर्ड ना हो, चोट ना लगे। तो वही चीज़ यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल देखना है कि फाइन कितना फोर्स, एक 150 ग्राम का बॉल्ब है, ट्रेवलिंग कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्राइक किया जब हैंड पे तो वो स्टॉप हुआ 0.5 सेकेंड में, तो जब स्ट्राइक किया तो उसका फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ हमारे हैंड पे, ये बताना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी जब रुकेगा हैंड पे तो फोर्स, ऑब्जेक्ट इधर से आया, आप इधर से हैंड लगाए हो तो ये फोर्स तो इस पे अट्रैक्ट करेगा और ये इसे एग्जर्ट करेगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव साइन ही ना आएगा, निगेटिव, तो निगेटिव क्या बताएगा, फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गिवेन मास इक्वल टू 150 ग्राम। देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड फैक्ट है, ग्राम में मास दिया है, तो मास का यूनिट क्या, केजी, आप इसे केजी में चेंज करोगे तो 150/1000, 10 से 10 यानी 0.15 kg हो गया। डोंट टॉक, यहाँ पे ये, उसके बाद ट्रेवलिंग एट यू आपको दिया है, यू इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड,
अपलेयर्स और टाइम आपको गिवेन है, टी इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। ओके, और जब स्टॉप्ड होगा तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको क्या बताना है, एफ इक्वल टू वाट। फिर वही बात, वी नो डैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू, चाहे वी नो डैट ना लिख करके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू एम ए, यानी ये एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। इधर ही लिख लो, इधर लिख लो ताकि इधर सॉल्व कर लोगे। एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, सब चीज पुट कर दो, मास कितना 0.15 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 और टाइम 0.05। ये देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 5 × 3 = 15 होगा ना। अब देखो इसका 100 ऊपर, इसका 100 ऊपर जाता, तो 100 से 100 क्या हो जाता, कट जाता, तो ये पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल किया, 5 × 3 = 15 और ये 90 - 90 न्यूटन। अब ये माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स, अब देखो 3 × 3 = 9 × 0, माइनस 90 न्यूटन आने का मतलब हुआ कि जो फोर्स एग्जर्ट होगा हमारे हैंड पे, वो हमारे हैंड से बॉल पे, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बैक आना पड़ा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब खूब अच्छे से पढ़िए, आगे एक्सरसाइज में है, पीछे कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डाल सकते हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा, और पूरा डीपली पढ़िए ताकि आपका उसमें कुछ छूटे ना, और आप कहीं भी खड़े रहो, कोई भी आपसे पूछे कोई क्वेश्चन तो आप उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सको, वैसे स्टडी कीजिए, ठीक है। कम ही स्टडी करेंगे, लेकिन जिस चीज़ का स्टडी करेंगे उस चीज़ का डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय माय डियर स्टूडेंट्स, और मन लगा के पढ़िए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।